देखिए किस पानी से पानी से मार रहा है। चलो वो वाले मोटे वाले वो निकालो, पानी दे दो यार, पैसा दे दो भैया, पैसा रुक नहीं समझा करते का मुट्ठी का पत्ते ना पड़ेगा, 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 मुट्ठी का हम लेके रहेंगे, मुट्ठी का हम लेके रहेंगे, मुट्ठी का हाय हक हमारा, मुट्ठी का हाय हक हमारा, मुट्ठी का सम्मान हमारा, मुट्ठी का सम्मान हमारा। अनिता सविता, मेरा नाम सर अनिता पटेल गोरखपुर से बोल रहे हैं। हम पिछले छह साल से हम लोग परेशान हैं इस नियुक्ति पत्र के लिए, और हमको हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जिस किसी भी मंत्री के दरवाजे हम लोग गए तो लोग बोले कि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है। अब तो कोर्ट का फैसला भी आ गया, अरे हम लोग तीन महीने का हीला हवाली कर रहे हैं, ये हीला हवाली हम लोग की नहीं चलेगी। इसलिए कि सर हम लोग पिछले पाँच साल का सफर बहुत लंबा रहा और बहुत दर्दनाक रही हम लोग की कहानी। इसलिए हम लोग का जियो जारी करे और हम लोग अपने विद्यालय पहुँचाए। हम लोग यही सपना देखे थे कि धरना करें, हम लोग आके टेट सुपर टेट क्वालिफाइड करके आज हम लोग धरना करें। इसलिए हम लोग चाहते हैं योगी माननीय से कि हम लोग को जिला आवंटन करें, हम लोग को विद्यालय में पहुँचाए। अब हम लोग तीन महीने का सफर बर्दाश्त नहीं है, तीन घंटा तीन महीना बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा ये पूछना है कि प्रदेश के मुखिया से, बेसिक शिक्षा अधिकारियों से, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप जो हमें न्याय नहीं दे रहे, पिछले छह सालों से हम पिछले दलित बच्चों को रुला रहे हैं, सड़कों पर घसीटवाया जाता है, बहन बेटियों को पिटवाया जाता है, मारा जाता है। अब तो आप जब हम आपके यहाँ जाते थे तो आप कहते थे हाई कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, जैसे ही आएगा आदेश हम आपको त्वरित फॉलो करेंगे। अब तो आदेश भी आ चुका है, आप माननीय न्यायालय से बड़े हो गए हैं जो आप उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी माना है कि इन बच्चों को न्याय दिया जाए, इन बच्चों के साथ गलत हुआ है। क्या आप प्रदेश के मुखिया से भी बड़े हो गए हैं जो आज हमको न्याय नहीं दे रहे हैं? कब तक हम पिछड़े दलित बच्चों को रुलाएंगे? यहाँ पुलिस आती है रात में, हम बहन बेटियों को उठा के लेके जाती है बिना बताए, और उसके बाद रास्ते में छोड़ देती है। हम लोग इधर उधर भटकते हैं और उसके बाद अपनी व्यवस्था करते हैं, कहते हैं बेटियों की सेफ्टी देखते हैं। यही है बेटियों की सेफ्टी? कहाँ गया न्याय, न्याय इनका, योगी जी का? वैसे तो हर समाज के लिए, उनके लिए न्याय रहता है। हम बेटियों, हम बच्चों के लिए न्याय नहीं है? अगर न्याय प्रिय है तो हमें न्याय दे, हमारी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें, हमें हमारे विद्यालय तक पहुँचाए। कब तक हम लोग को ऐसे यहाँ प्रताड़ित करते रहेंगे? और हम माननीय मुखिया जी से ये पूछना चाहते हैं, अपने अपने देश के मुख्यमंत्री और अपने देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या इस समाज में, क्या इस देश में पिछड़े दलित होना एक गुनाह है, जिसकी सजा आज हम लोग भुगत रहे हैं? हम लोग गरीब परिवार के बच्चे हैं सर, हम लोग घर से निकलते हैं तो 10 बार सोचना पड़ता है। पास पड़ोस के लोग, परिवार के लोग, यहाँ तक समाज के लोग, यहाँ तक सरकार भी हम लोग को गंदी गंदी गालियाँ देती है। बताइए हम लोग का जीवन कितना दुखमय हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने हक अधिकार के लिए आते हैं और यहाँ पे सिर्फ झूठा आश्वासन मिलता है। कल डीजी मैम ने कहा था आपका शाम तक जियो जारी हो जाएगा, कहाँ है ये जियो? वही झूठा बहाना, वही झूठा आश्वासन। कब तक जुमलेबाजी देते रहेंगे? कब तक हम बच्चों को ऐसे भटकाते रहेंगे और सड़कों पे संघर्ष करेंगे? अब ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ले जाने का, 5 साल फिर से संघर्ष कराना चाहते हैं। ये अब मनमानी नहीं चलेगी। हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ जाएगी तो लाश जाएगी। हमारे भाई ने इस दुनिया को छोड़ दिया, हमारा सगा भाई, हम यही लखनऊ में धरना दे रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। हमारा भाई हमको पढ़ाया लिखा इसलिए नहीं कि हम यहाँ धरना दे, कम से कम हमारा एक सपना था कि हम पढ़ लिख के नौकरी पा जा रहे, हमसे हमारा छोटा भाई था, हम उसको भी पढ़ा लिखा के एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। हमारे बूढ़े माँ बाप है, उनका कौन सहारा है? अब कोई नहीं है, खमी है, तो कम से कम अब तो हमारे साथ न्याय हो जाए सर, हम अपने माँ बाप के सहारा बन सके। इसलिए प्रदेश की बेटियाँ नहीं पढ़े हैं कि हम यहाँ धरना दे। एक तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बेटियाँ प्रदेश की यहाँ लखनऊ में धरना राजधानी में दे रहे हैं। 6 साल हो गए आप लोग को अभी तक काम? जी सर, 6 साल से हमारे लिस्ट तक जारी हुई, यही योगी जी हैं, मीटिंग की है कि इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन ये बेसिक के अधिकारी माननीय योगी जी से और हाई कोर्ट से बड़े हो गए, ये किसी की नहीं सुनते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए। जैसे कि माननीय योगी जी बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए था, और हम
6000 जो हमारे साथ आरक्षण घोटाला हुआ है, हमें न्याय करके हमें विद्यालय में भेजना चाहिए। कम से कम जो देर कर दिए वो अब तो ना करें। अब तो डबल बेंच का भी आर्डर है, डबल बेंच ने भी मान लिया कि आरक्षण घोटाला हुआ। कम से कम अब जल्द से जल्द त्वरित न्याय करके हमें विद्यालय में पहुँचाएं। हम छोटे नौनिहाल बच्चों का भविष्य संवारें और उसके साथ साथ अपना और अपने घर वालों का भी भविष्य संवारें और एक अच्छा भविष्य दे सके अपने छोटे भाई बहनों को या विद्यालय में जो बच्चे उनको अच्छा भविष्य दे सके हम पढ़ा लिखा के। जी सर, वैसे तो महिलाओं की इतनी बात होती है लेकिन हम महिलाएं नहीं है, हमारी इज्जत का क्या? हम यहाँ सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं, हमारे कपड़े फाड़े जा रहे हैं, ये बस हमारी इज्जत नहीं है, प्रदेश का भी इज्जत है। हम बेटियां यहाँ घसीटे जा रहे हैं तो इसमें सबकी बेइज्जती हो रही है, सबकी इज्जत जा रही है। कहाँ इज्जत की बात हो रही है बेटियों के साथ? इतना इस लिस्ट में जो लिस्ट आई थी 6800 की, उसमें कम से कम 3000 महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या ज़्यादा, उसके बाद भी आज तक ये बहाल नहीं हुई। और आरक्षण घोटाला करके अधिकारी बढ़िया एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं, हम लोग बरसात में धूप में यहाँ धरना दे रहे हैं बिना खाए पिए। कल 12 बजे रात हम लोगों को यहाँ से भगा दिया गया, बताइए हम 12 बजे रात यहाँ प्रदेश में कहाँ जाएँ? कितना हम लोगों के यहाँ पर कोई क्या खानदान बैठा है, घर बैठा है, जिसके हम चले जाएँगे जिसके घर पर? हम लोग बिना खाए पिए यहाँ मर रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बरसात में भीग रहे हैं, इनका भविष्य क्या सर? तबीयत खराब हो गई अपनी मां को, न्याय करो, न्याय बनाते हैं प्रसाद, मौका क्यों दे? न्याय करो, ये दुकान के आपका नाम बता दें। मेरा नाम अमरेंद्र पटेल है, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं हम लोग। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए। जब योगी आदित्यनाथ जी ने मान लिया, हाईकोर्ट के डबल बेंच ने मान लिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मान लिया, अब लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही है? सरकार को निर्देश देना चाहिए, इन अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए। ये वही अधिकारी है जिन्होंने घोटाला किया है और इन अधिकारियों पर हम पर भरोसा नहीं। हमारा धरना देने का मात्र एक उद्देश्य है, जल्द से जल्द लिस्ट जारी की जाए और इन भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए, नहीं ये फिर से गोलमटोल करेंगे। ये 3 महीने का समय हमें नौकरी देने के लिए नहीं लगा रहे हैं, ये 3 महीने का समय इसलिए ले रहे हैं कि लिस्ट में फिर से घोल घटाला करें, फिर से ये पीछे दलितों को सड़क पर लाने की कोशिश करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के पीछे दलितों के अभ्यर्थी के साथ फिर घोटाला हुआ, उसका जिम्मेदार यही बैठे अधिकारी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत भोले हैं अधिकारियों के मामले में, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों को बुलडोज चलाना पड़ेगा, बुलडोज करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच आप भय पैदा कर दिए हैं और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, पिछड़े दलितों का हक, बताइए संविधान ने दिया हुआ आरक्षण पर ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं। पिछड़े दलित जो 85% जो वोट देकर मुख्यमंत्री बनाते हैं उन पर ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं। इनको तो रासुका लगनी चाहिए, तड़ी पार होना चाहिए इन लोगों, इन अधिकारियों को सिर्फ मात्र जेल और सजा नहीं होनी चाहिए। हम केशव प्रसाद मौर्य का बयान लिए हैं और कहीं कहा जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य ने जो है हम लोग की पूरी मदद करी, नहीं नहीं मदद यही होगी जब इन अधिकारियों को जेल। देखिए आप गलती मान लें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गलती मानकर सही करें, जो उसमें गलत तरीके से काम किया है उसको जेल भेजें, तब जाके पीछे दलितों पे न्याय होगा। आप हमको नौकरी दे देंगे संपूर्ण न्याय नहीं मिलेगा, हमारे साथ गलत करने वाला जो अधिकारी है उसको पूरे प्रदेश को जानना इम्पोर्टेंट है, पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि पिछले दलितों के साथ अत्याचार किसने किया, पीछे दलितों पर कुठाराघात किसने किया, उसको पूरा प्रदेश जानना चाहता है और ये हक है। संवैधानिक दायरे में रह के हम लोग ये मांग कर रहे हैं, नहीं होगा नौकरी पा भी जाएंगे तो हम लोग इनके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे।